वेलकम टू सेलेक्ट आईएएस। सेलेक्ट आईएएस में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्विज के प्रश्नों पे। सभी प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। ध्यान रहे कि यूपीपीसीएस की परीक्षा में ईटी की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान। पहला ऑप्शन है पहला स्थान है, दूसरा ऑप्शन है दूसरा स्थान है, तीसरा ऑप्शन है तीसरा स्थान है, और चौथा ऑप्शन है चौथा स्थान है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। क्यों? क्योंकि पहले स्थान पर अगर क्षेत्रफल के बारे में अगर बात करें तो पहले स्थान पर आपका पड़ता है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद जो पड़ता है उत्तर प्रदेश, इसीलिए यूपी का हो गया चौथा स्थान, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। लेकिन अगर जनसंख्या में पूछे, जनसंख्या में प्रथम स्थान, जनसंख्या में प्रथम स्थान है। द्वितीय पूछे, द्वितीय बताइए महाराष्ट्र, तो ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। भौगोलिक क्षेत्रफल अगर यूपी का पूछे, भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो आपका 240,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वो याद रखिएगा। जो भारत के क्षेत्रफल का, अगर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कोई पूछे, भौगोलिक क्षेत्रफल जो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसका लगभग कितना परसेंट है, इसका लगभग 7.33% है। ये है आपका 7.33% है। तो सोचिए इतना बड़ा एरिया है उत्तर प्रदेश का। तो दोनों प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल गए, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से। ये उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, और भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33 जो प्रतिशत है वो है आपका उत्तर प्रदेश का। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश, चूंकि आपको पता भी होगा, न्यूज पेपर आप लोगों ने देखा भी होगा कि यूपी में जो है अब ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाया जा रहा है, उसकी जगह पे जो है यूपी स्पेशल, मतलब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी आपकी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का आपका जलवायु हो, चाहे मिट्टियां हो, चाहे उत्तर प्रदेश की वनस्पतियां, वन्य जीव, नदियां, बहुदेशी परियोजनाएं, जितनी भी खनिज संसाधन है, जनजातियां है, उत्तर प्रदेश की परिवहन है, संचार है, कृषि है, इतिहास है, सांस्कृतिक तत्व जो है, साहित्य है, सबसे जो है प्रश्नों को पूछने के ज्यादा चांसेस और ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो इसलिए जितने भी प्रश्न मैं पूछता हूँ आप सभी को, वो बड़े ध्यान से देखिए, एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पूछते क्या है, मछलियां एवं तीर्थधनुष, एक प्रश्न पढ़िए और कई प्रश्नों को तैयार कीजिए, ठीक है। राज्यपाल अगर पूछ दे तो आनंदी बेन पटेल जी हैं, श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी हैं। सीएम पूछ दे योगी आदित्यनाथ साहब है। राजकीय पुष्प पूछ दे उत्तर प्रदेश का, तो राजकीय पुष्प जो है वो क्या है, फ्लास है। राजकीय पक्षी पूछ दे तो राजकीय पक्षी जो है वो आपका तारस या प्रॉन्च है। तो ये सब भी आपको जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अगर भाषा पूछ दे तो हिंदी और उर्दू दो भाषा है राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी भी है और उर्दू भी है, इसको भी आपको याद रखना। राजकीय पशु पूछ दे तो राजकीय पशु है 12 सिंघा जो है राजकीय। राजकीय वृक्ष पूछ दे तो आपका अशोक का पेड़ है। ये सब प्रश्न मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सभी को पूरा का पूरा जो है एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार हो जाए, ठीक है। ये सब आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। यही प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। पहला है श्रावस्ती, दूसरा है गौतम बुद्ध नगर, तीसरा है प्रयागराज और चौथा है कौशाम्बी। क्या लगता है इसका सही आंसर? तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, नोएडा। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है हमको आंसर इसका मिल गया, जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला पूछे तो वो आपका श्रावस्ती होगा। इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो वो आपका होगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, यही जो है आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछ दे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो आंसर आपका हो जाएगा श्रावस्ती, ठीक है। सर्वाधिक महिला अगर पूछ दे, महिला साक्षरता किस जिले में है, वो आपका कानपुर नगर है, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता पूछ दे तो वो आपका हो जाएगा श्रावस्ती। एक चीज नोटिस किया होगा आप लोगों ने, श्रावस्ती देखिए पुरुष वाले में भी और महिला वाले में, दोनों में क्या है,
न्यूनतम, इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो प्रयागराज है, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो महोबा है। लिंग अनुपात वाला जिला अगर पूछे तो जौनपुर है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न बड़े ध्यान से देखिएगा, तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है इटावा, दूसरा ऑप्शन है आपका गोंडा, तीसरा ऑप्शन है आपका महोबा और चौथा ऑप्शन है संत कबीर नगर। ऐसा नाम देगा जो आप सुने ही ना हो, ठीक है। ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, तो ये आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, महोबा में, ठीक है, इसको याद रखिए। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर इसमें देखा जाए तो कुल जो है 14 पक्षी विहार है, ठीक है, जिसमें विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार जो है महोबा में है, पार्वती अर्गा जो है वो आपका गोंडा में है, सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार जो है वो आगरा और इटावा दोनों जगह पड़ता है, ठीक है। समान पक्षी वन्य जीव विहार जो है ये आपका मैनपुरी में पड़ता है, ठीक है। टोटल 14 है, बस बता देता हूं आप सभी को। पखीरा, पखीरा जो पड़ता है वो संत कबीर नगर में अलीराबाद, ठीक है। देखा कि पक्षी जो है ये जो है आपका अलीगढ़ में पड़ता है, जहां के अलीगढ़ के ताले फेमस है। जयप्रकाश नारायण के नाम से भी एक है, उसे सुरहा ताल कहा जाता है, और ये जो है पक्षी वन्यजीव विहार जो है ये है आपका बलिया में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह शहीद चंद्रशेखर साहब के भी नाम है, चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद की नवाबगंज में है पक्षी वन्यजीव विहार जो है वो है उन्नाव में। तो इस तरह के प्रश्न भी जो है लगातार पूछे जाते, इसलिए मैं पूरा डिटेल बता दे रहा हूं आपसे। जैसे समस्तपुर पक्षी वन्यजीव विहार जो है वो रायबरेली में है, ठीक है। एक है पटना पक्षी, पटना याद रखिएगा, वन्यजीव विहार जो है ये आपका एटा जिला में पड़ता है। इसके साथ साथ लाख महोशी पक्षी वन्यजीव विहार है वो कन्नौज में पड़ता है, जहां का इत्र बड़ा फेमस है। कांडी पक्षी वन्यजीव विहार जो है ये आपका हरदोई में पड़ता है। ओखला के पूछे तो जानते होंगे आप सभी, ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। और एक और है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार जो है, भीमराव अंबेडकर आपके नाम पर है पक्षी वन्यजीव विहार जो है ये प्रतापगढ़ में है। इसीलिए मैंने टोटल बता दिया कि कहीं से भी प्रश्न आए, आप लोग सेलेक्ट आईएएस के स्टूडेंट हैं, सारे प्रश्न करके आने, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बात कर लें। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला, ध्यान से प्रश्न को देखिए उसके बाद जो है आप लोग आंसर दीजिए, कौन सा ऐसा जिला है जो गंडक परियोजना से लाभान्वित नहीं है। पहली बात, इस तरह के भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे, ये इस क्रम में ये जरूर देखिए कि नहीं पूछा है इसमें। पहला ऑप्शन गोरखपुर, दूसरा महाराजगंज, तीसरा बस्ती, चौथा देवरिया। नहीं पूछा है तो बस्ती नहीं है। टोटल 4 जिले हैं जिसमें कौन कौन से हैं आपके, गोरखपुर है, महाराजगंज है, कुशीनगर है और देवरिया, ये 4 जिले इससे लाभान्वित है, बस्ती का नाम इसमें नहीं है, ठीक है, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। इस तरह से प्रश्न भी जो है परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। चलिए पांचवें प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। पांचवा प्रश्न जो है दुग्ध उत्पादन से प्रश्न है कि पांचवा जो है वो देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो पहला है कि पहला स्थान है, कि दूसरा है, कि दूसरा स्थान है, तीसरा है कि तीसरा स्थान है, चौथा है चौथा स्थान। तो क्या लगता है आप सभी को, तो देश में पहला स्थान, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है, ठीक है, क्योंकि पहला स्थान है। इसके साथ साथ ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम जो है वो कब किया गया था, यूपी दुग्ध एक्ट पारित हुआ था 1976, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जो है 1907 में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, देश में बाकी तो ये सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना 1960 में हुआ था, ये तो है ही आपका उत्तर प्रदेश में जो है, ठीक है, ये 1907 है, ये 1907 ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है, 1907 है, 1907 ठीक। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम
1907 में जो है सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना किया गया था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, तो प्रति व्यक्ति जो है 387 ग्राम प्रतिदिन है, तो याद रखिएगा ये आंकड़ा जो है 2019 और 20 के आंकड़ों के अनुसार है। ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, असहयोग आंदोलन को लेकर यह प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। अक्सर यूपी में इस तरह के प्रश्न को देखा गया है, जेट भी पूछ देता है और आप लोग सब पढ़ के जाते हैं, बचलता है डेट ही नहीं पता। पहला पूछ रहा है कि 1 अगस्त 1919, दूसरा है 1 जुलाई 1920, तीसरा है 1 सितंबर 1920 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1 अगस्त 1920 को किया गया था, इसीलिए जो है इसका सही ऑप्शन था डी था, ठीक है। कांग्रेस का इसका अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग बात अगर करें तो असहयोग आंदोलन का मतलब था कि किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना अंग्रेजों के साथ, ठीक है। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था, असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था कलकत्ता में। स्थान अगर पूछे तो कलकत्ता में सितंबर 1920 में, ठीक है, क्या पारित हुआ था, असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था, प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें अगर प्रस्तावक पूछे तो प्रस्तावक में गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, ठीक है, तो याद रखिएगा। और विरोध में कौन कौन लोग थे, तो विरोध में सी आर दास साहब थे, एनी बेसेंट थे, ये वही एनी बेसेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, और लाला लाजपत राय, ये लोग विरोध में थे। इसके सफलता ये थी उस समय की कि जनता के मन से जो है ब्रिटिश शक्ति का जो भय था वो हट गया था, ये बहुत बड़ी सफलता है एक तरह से असहयोग आंदोलन की। इतने बड़े पैमाने पर जो है पहली बार देश की जनता जो है संगठित हुई थी असहयोग आंदोलन के समय, जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया गया था इसी असहयोग आंदोलन के समय, और जनता में आजादी की उत्कंठता जो है जगी थी इसी असहयोग आंदोलन के समय। और इसी के समय जो है गांधी जी ने उपाधियों का त्याग भी किया, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, जैसे कैशर्य हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने त्याग दिया था, और इसके साथ साथ एक और उपाधि राय बहादुर, तो राय बहादुर की उपाधि रमन लाल बजाज साहब, रमन लाल बजाज, इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि को भी त्याग दिया था। के बाद चलो चुरा कांड हो जाता है, फिर आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन है 155 अनुच्छेद, दूसरा है अनुच्छेद 165, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 175 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 185। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 165, महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। जो महाधिवक्ता अगर बात हम करें, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, वैसे राज्यों में क्या होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता के लिए अगर कोई व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हत होता है तो उसे ही बनाया जाता है। राज्य का जो है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी जो होता है वो महाधिवक्ता होता है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 177 के अनुसार ये भी आपको याद रखना चाहिए कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडलों के जो भी विधानमंडल है, विधानसभा चाहे विधान परिषद, चाहे विधानसभा हो चाहे आपके विधान परिषद हो, उन दोनों में विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सदन चलेगा तो कार्यवाही में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होता, मतदान का अधिकार नहीं होता। अगले प्रश्न पे चलिए हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा आठवां प्रश्न, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष किया गया था। पहला ऑप्शन जो है आपका 1955, दूसरा ऑप्शन है 1965, तीसरा ऑप्शन है 1979 और चौथा है 1989। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1955 में, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। जबकि अगर ये क्वेश्चन ये पूछ दे कि लघु उद्योग विकास परिषद की स्थापना 1979 में, इस तरह के भी प्रश्न को जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। और भी बता देता हूं, जैसे अखिल भारतीय हथकरघा जो बोर्ड है, इसकी जो स्थापना हुआ था 1952 में हुआ, ये भी आपको याद रखना। या एक और है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग 1953 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी एक चलता है कि दीनदयाल उपाध्याय
हथकरघा प्रोत्साहन योजनाएं चली, इसकी स्थापना हुआ था सन 2000 में हुआ था। ठीक है, ये सब प्रश्न मैं इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और भी क्लियर है। केंद्रीय सिल्क अगर बोर्ड पूछ दे, सिल्क बोर्ड की स्थापना 1950 में, ठीक है, रेशम बोर्ड भी 1949 में हुआ था, इसको भी आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, चलिए हम नौवे प्रश्न पे बात करते हैं। नौवा प्रश्न पे चलिए, कांकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है मेघालय। कांकरेक के बारे में पूछ रहा है, तो कांकरेक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही है। इसके साथ ही साथ मेघालय में अगर हम बात करें, एक पाल बाकर राष्ट्रीय उद्यान जो है वहीं पर है, ये भी मेघालय में ही है, जहां पर बाघ और हिरण संरक्षण किया। इस तरह के भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर मध्य प्रदेश से पूछ दे, मध्य प्रदेश में आपका पूरी सतपुड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जो बाघ संरक्षण है, ये राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों के संरक्षण के लिए है। मध्य प्रदेश में और भी अगर हम बताएं तो कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच है, माधव है, पन्ना है, तदोबा है, संजय गांधी के नाम पे है। ये सभी प्रश्न जो है ये आपके ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही सब। इसके साथ साथ और भी अगर हम गुजरात के बारे में बात करें, कुछ गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो गुजरात में आपका गिर है राष्ट्रीय उद्यान है, जो एशियाई शेर के लिए फेमस है। रण कक्ष है जो गुजरात में है, वन जीव अभयारण्य है ये भी, तो ये सब क्या है आपके गुजरात में है। मैरीन है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है मैरीन, ये कछुआ और मूंगा संरक्षण के लिए है, मूंगा संरक्षण के लिए है। तो ये सब भी आपको नॉलेज रखना चाहिए। ठीक है, दसवां प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित, नारियल के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। ध्यान से देखिए प्रश्न को, फिर जवाब दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है आंसर जो है बी जो है बिल्कुल ही सही है, केरल में। ठीक है, केरल में एक जगह है कासरगोड, ये है केरल में, तो यहीं पर ये नारियल अनुसंधान संस्थान है आपका। जबकि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में स्थित है। आलू का अगर पूछ दे, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तो ये आपका शिमला में, कहां पर है शिमला में, शिमला कहां पर हिमाचल प्रदेश में, एक जगह है वहीं पर। ठीक है, केंद्रीय वन पूछ दे, अनुसंधान संस्थान पूछ दे, अनुसंधान संस्थान जो है वो है देहरादून में। तो ये रहे टोटल 10 प्रश्न, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न काफी अच्छा लग रहा होगा, जो परीक्षा में काफी उपयोगी साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।